ओके okay, स्टूडेंट्स अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो एक बारी सभी लोग चैट बॉक्स में लिख दें गुड इवनिंग नीरज कुमार गगन दक्ष गुड इवनिंग सभी बच्चों को एक बारी शेयर कर देते हैं लेक्चर देखो जो भी आज का लेक्चर देख रहा है अगर उसने सीटी पहले पढ़ा भी है मुझसे पढ़ा है चाहे कहीं और पढ़ा है एक बार इस लेक्चर को जरूर देखना और आप फिर उसके बाद जो अपडेशन है कंटेंट में जो फ्रेशनेस है जो आपके लेटेस्ट एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैंने कॉन्सेप्ट लिए हैं वो आपको नज़र आएंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ठीक है तो एक बारी मैं सभी ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ सभी बच्चों को पता चल जाएगा तो लेक्चर आप लोग भी अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जिन जिन से आप जुड़े हुए हो ये लेक्चर शेयर करें प्लीज़ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस लेक्चर में जुड़ पाए और ओके तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग एक सेकंड रुक जाएं बस टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं लेक्चर और उसके बाद आज बच्चों कं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर जो चीज़ें मैं आप लोगों को डिलीवर करने वाला हूँ आप उसे ज़रूर देखना और डिफरेंस देखना क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं क्या चीज़ें अपडेशन में आ चुकी हैं वो सब चीज़ें आप लोगों को अभी इस लेक्चर में ही पता चल जाएंगी ठीक है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी परफेक्ट अभी सही है सभी लोगों को दिख पा रहा है पूजा रानी उज्जवल एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने अपने कुछ हाय हेलो गुड इवनिंग कुछ भी लिख दें ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन बच्चे इस लेक्चर में भी प्रेजेंट हैं जो सिंसियरली लेक्चर को फॉलो करने जा रहे हैं ठीक है वो जो लेक्चर को फॉलो करने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए बच्चों में स्टार्ट करता हूँ इस लेक्चर को सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ पढ़ा क्या रहाँ एस एस जेई डी या फिर ड्राफ्ट्समैन जैसे एग्जाम्स में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर मैं किसी को कंसिडर करता हूँ वो है कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हर एक एग्जाम एक के लिए जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें सबसे भारी वेटेज कंक्रीट टेक्नोलॉजी का रहता है इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को बताया भी था बच्चों एस एस जेई के अंदर अकेला 10 से ऊपर मार्क्स का आता है और बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट या फिर आप ये कह सकते हैं प्रैक्टिकली बेस्ड सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा जिसे पढ़ने में आपको अच्छा भी लगेगा और आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को हर चीज एकदम सिरे से बिल्कुल बेसिक से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी तो जितने भी बच्चे अभी फिलहाल इस लेक्चर को देख रहे हैं बड़े ध्यान से देखना कंटेंट दोनों लैंग्वेज में होगा हिंदी में लैंग्वेज में भी अवेलेबल होगा इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा प्रारंभ में इनिशियली कुछ जानकारियां हिंदी में है तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि सारा कॉन्टेंट सॉरी इंग्लिश में है तो सारा कॉन्टेंट इंग्लिश में होगा देर विल बी पूरा का पूरा कॉन्टेंट हिंदी में भी आपको पढ़ाया जाएगा कोचिंग्स के अंदर ठीक है ऑफलाइन कोचिंग में जब मैं क्लासेस लेता हूं तो मैं उस चीज को हिंदी में नैरेट करके आप लोगों को लिखवाता हूं आपके नोट्स प्रॉपर बनवाते हैं ओके okay, तो जितने भी बच्चे हैं प्रिया कदम कह रहे हैं पूजा रानी कह रहे हैं अनमोल कुमार कह रहे हैं आकाश कह रहे हैं ठीक है जी के डोगरा पूजा रानी ये सभी बच्चे सिंसियर हो गए लेक्चर पढ़ने वाले हैं ठीक है गुड चलो स्टार्ट करें और कोई तो नहीं है सनी कुमार कह रहे हैं हाय ठीक है सनी कुमार देखो आपके पीछे एक इमेज है यह आपको काफी कहानी बता देगी कि पूरी कंक्रीट टेक्नोलॉजी किस चीज से संबंधित है कंक्रीट टेक्नोलॉजी संबंधित है बच्चों एक बढ़िया क्वालिटी के एक अच्छी प्रकार के एक अच्छे किस्म के कंक्रीट को बनाने से रिलेटेड है ठीक है एक आपको अच्छा कंक्रीट बनाना है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का यही काम है कंक्रीट बनाने का बच्चों आप समझो इस चीज़ को कंक्रीट बनाने को कोई भी बना दे लेकिन कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है कंक्रीट को बहुत बेहतर बहुत अच्छा बहुत हाईली क्वालिटी वाला बनाने की कोशिश करता है क्योंकि जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स हैं जितने भी सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हैं उनमें से अधिकांश सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर केवल और केवल कंक्रीट से बने होते हैं चाहे आप उसमें अपने ब्रिज को कंसीडर कर लो चाहे अपने घरों को कंसीडर कर लो चाहे डैम को कंसीडर कर लो चाहे रिटेनिंग वॉल को कंसीडर कर लो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्क्रीट के बिना नहीं बनाई जा सकती है बच्चों तो कॉन्क्रीट बहुत एसेंशियल एलिमेंट हो जाता उसके है उसके कई कारण है सबसे पहले एस एस जेई के सिलेबस में टॉपिक्स क्या है आर आरबी जेई में टॉपिक्स क्या है डी डी आदि एग्जाम्स में टॉपिक्स क्या आने वाले हैं कॉन्क्रीट से रिलेटेड तो वो टॉपिक्स बच्चों आप लोगों के सामने ये हैं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों जो आप लोगों से पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में जिसे मैं अपने आप मान के चलो फाइव स्टार टॉपिक मानता हूं फाइव स्टार टॉपिक मानता हूं सीमेंट को मतलब आप अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एग्जाम में जो ड्राफ्टमैन का एग्जाम है उसे उठा के देखेंगे तो उसमें आ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बारह नंबर का था उसके बाद सीमेंट का ही टॉपिक पांच छह नंबर का क्वेश्चन थे उसमें ठीक है जेई के अगर एग्जाम को देखें आप चार से पांच मार्क्स के क्वेश्चन केवल सीमेंट से रहने वाले हैं दूसरा टॉपिक बच्चों जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रहता है दैट इज एग्रीगेट फिर water, फिर वाटर ध्यान रखना एग्रीगेट आप लोगों को पता है जिसे आप हिंदी में गिट्टी आदि भी बोलते हो गिट्टी बोलते हो ना वाटर आप लोगों को पता है एडमिक्सर आप हिंदी में बोलते हो समिश्रन को एडमिक्सर आप किसे बोलते हो सममिश्रन फ्रेश कॉन्क्रीट आप लोगों को पता है हार्ड कॉन्क्रीट आप लोगों को पता है डिजाइन मिक्स कंक्रीट आप लोगों को पता है और वेरियस टाइप्स ऑफ कंक्रीट ये आप लोगों को पढ़ना है कितने प्रकार के कंक्रीट है बच्चों बहुत प्रकार के कंक्रीट है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है फाइबर री कंक्रीट है ग्लास रीनफोर्स कंक्रीट है आपके पास ठीक है फेरो सीमेंट कॉन्क्रीट है आपके पास लाइट वेट कॉन्क्रीट है हवी वेट कॉन्क्रीट है हाई डेंसिटी कॉन्क्रीट है लो डेंसिटी कॉन्क्रीट है मतलब आप लोगों को अगर पढ़ाया जाएगा कि भाई कितने तरह के कॉन्क्रीट है तो वो बहुत अलग अलग तरह के कॉन्क्रीट है और कई कॉन्क्रीट के प्रकार के ऊपर कॉन्क्रीट के प्रकार के ऊपर क्वेश्चन एस में पूछे जा चुके हैं क्लियर है पॉइंट अब बात समझते हैं एक होता है बच्चों हमारा डिजाइन मिक्स कंक्रीट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बच्चों टॉपिक कई बार अभी एक बच्चा मेरे पास आया का इंटरव्यू उसने दिया तो उससे पूछा गया डिजाइन मिक्स कंक्रीट क्या होता है उसने बताया सर आई एस कोड वन जीरो नहीं आप हमें पूरा प्रोसीजर बताएं तो कई बार डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट से छोटे ऑब्जेक्टिव उसके प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो ये टॉपिक भी बच्चों आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है ये टॉपिक भी आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करना है क्लियर है पॉइंट गुड इवनिंग एनके क्रिएशन इंफॉर्मेशन एंड फन क्या बात है सर कॉन्क्रीट पूरा पढ़ाओगे जो तुम अगर तुम लाइव आओगे रेगुलर देखोगे तो शायद में मेरा मन करे कि हाँ अब इसे पढ़ाना चाहिए मुझे और कॉन्क्रीट कॉन्टेंट देखना जरा दो मिनट रुक जाओ कंटेंट में आपको आनंद आ जाएगा जो क्लास में पढ़े हैं जो नहीं पढ़े हैं जो कहीं भी है सबके लिए बेहतर और फ्रेश कॉन्टेंट है ठीक है ओके इंफॉर्मेशन एंड फन ठीक है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं चलो बच्चों आगे चलते हैं बच्चों व्हाट इज कॉन्क्रीट सबसे पहला सवाल आप लोग ये मत सोचना कि इंग्लिश में लिखा है हिंदी में शायद नहीं पढ़ाएंगे हिंदी में भी पढ़ाऊंगा कॉन्क्रीट क्या होता है बच्चों आप देखो कॉन्क्रीट के अंदर दो चीजें या आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है कॉन्क्रीट कितने स्टेज का मेटेरियल है स्टेज पूछी जाती है तो आपका आंसर होगा टू स्टेज वो कैसे टू स्टेज मानता है वो कैसे टू स्टेज मान रहा है वो टू स्टेज कौन कौन सी मान रहा है एक तो मानता है वो आपकी मैट्रिक्स जो होती है बच्चों आपकी एग्रीगेट वाला स्केलेटन मैट्रिक्स मतलब जो खांचा होता है जो ढांचा होता है एक तो वो और दूसरा सीमेंट का पेस्ट एक तो एग्रीगेट का पूरा खांका जो कंक्रीट के अंदर होता है एग्रीगेट और दूसरा सीमेंट का पेस्ट ये दो स्टेज है तो याद रखना बच्चों एग्रीगेट का जो स्केलेटन है जो कंक्रीट के अंदर एग्रीगेट भरा होता है आप सभी लोगों को पता है कंक्रीट एक दृढ़ पिंड है कंक्रीट एक दृढ़ पिंड है जो अलग अलग प्रकार के मटेरियल से मिलकर बना है जिसमें एक प्रकार का मटेरियल नहीं है अलग अलग प्रकार के मटेरियल है जिसमें मुख्य रूप से एग्रीगेट है सीमेंट है वाटर है ठीक है ये मेन इंग्रेडिएंट है एसेंशियल इंग्रेडिएंट है एग्रीगेट सीमेंट और वाटर इन्हें आप हटा नहीं सकते आप अगर इन्हें इनमें से कोई भी हटा दोगे तो कॉन्क्रीट नहीं बन पाएगा याद रखना कॉन्क्रीट के तीन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एग्रीगेट है, है सीमेंट है और वाटर है ठीक है फिर वो बात अलग है कि एग्रीगेट में एग्रीगेट के अंदर बच्चों फिर वो बात अलग है एग्रीगेट के अंदर एग्रीगेट के अंदर बच्चों ध्यान देना एग्रीगेट के अंदर आप इस चीज को ऑब्जर्व करना दो तरह के कंटेंट हो सकते हैं एक कोर्स एग्रीगेट एक फाइन एग्रीगेट वो अलग बात है ठीक है लेकिन मुख्य रूप से एग्रीगेट सीमेंट वाटर अगर इनमें से एक भी हटा दूं तो कंक्रीट नहीं बनेगा आप कहेंगे सर एक काम करते हैं आ, हम सीमेंट हटा लेते हैं तो कंक्रीट नहीं रहा वाटर हटा लेते हैं कंक्रीट नहीं रहा एग्रीगेट हटा लेते हैं कंक्रीट नहीं ना खाली सीमेंट और पानी से भी कंक्रीट नहीं बनेगा तो कंक्रीट के एसेंशियल एलिमेंट्स ही हैं लेकिन सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स जो एक्स्ट्रा हम डालते हैं अतिरिक्त हम डालते हैं दैट इज एडमिक्शर एडमिक्शर एसेंशियल एलिमेंट नहीं है अगर आप उसे डालेंगे सम्मिश्रण को डालेंगे तो कंक्रीट की प्रॉपर्टी बेहतर हो जाएगी जो आप चाहिए चाहते हैं लेकिन अगर आप एडमिक्शर को हटा ले तब भी कंक्रीट ऐसा नहीं है कि नहीं बचेगा तब भी कंक्रीट होगा

एग्रीगेट बच्चों कई बार भर भी जाता है अगर कंक्रीट के अंदर मास प्रोडक्शन हो रहा है बहुत बड़े बल्क में कंक्रीट बनाया जा रहा हो लेकिन नॉर्मल रेंज जो होती है एग्रीगेट की 60 से 75 परसेंट के आसपास होती है और एक से दो परसेंट बच्चों कहीं ना कहीं वायड भी बच जाते हैं चाहे आप कितना भी कॉम्पैक्ट कर लो एक से दो परसेंट वेड कॉन्क्रीट में बच ही जाते हैं चाहे आप कितना भी कॉम्पैक्ट कर लो क्लियर अब देखो किसी भी टॉपिक को पढ़ना है चाहे कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो कॉन्क्रीट के बारे में बताया मैंने आपको आपको उसकी जर्नल परसेप्शन पता होनी चाहिए वास्तव में एनवायरमेंट उसका क्या है वास्तव में मार्केट में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड ठीक है मार्केट में बच्चों कंक्रीट या सीमेंट की अगर हम बात करें उसका जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से हो रहा है इंडिया में कहां कहां हो रहा है कौन कौन से स्टेट इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं कितने प्लांट इंडिया में एक्टिवली काम कर रहे हैं कितना बड़े स्केल पर इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है वर्ल्ड में कहा है इंडिया सीमेंट के प्रोडक्शन में इंडिया में कौन कौन सी मेजर कंपनीज हैं जो सीमेंट को प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं कौन है वो बच्चों जो इंडिया में वो शहर जहां पे सबसे ज्यादा सीमेंट के प्लांट है क्लियर तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो जर्नल है वो आपको पता चाहिए। दूसरा आपको यह पता होना चाहिए सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था किसने किया था इसके अलावा आपको यह पता होना चाहिए इंडिया में के अंदर सीमेंट सीमेंट की कब काम में आया था कब पहली बार इंडिया के अंदर सीमेंट इंडस्ट्री लगाई गई थी कौन सा वो कंस्ट्रक्शन था जो इंडिया में सीमेंट का रिकॉग्नाइज किया गया कि पहला सीमेंट कंस्ट्रक्शन है हमारे कंट्री के अंदर क्लियर है पॉइंट वैसे छोटे मोटे ट्रायल कंस्ट्रक्शन अलग बात है लेकिन इंडिया के अंदर कौन सा वो कंस्ट्रक्शन है जो फर्स्ट टाइम किया गया था इंडिया के अंदर क्लियर है पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट मिक्सड बैक्ट्री बोल सकते हैं गगन <laughs> ओके अब बात करते हैं बच्चों सीमेंट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वर्ल्ड सिनेरियो पूरे वर्ल्ड के अंदर सीमेंट के प्रोडक्शन को लेके क्या कंडीशंस हैं बड़े ध्यान से सुनना आपकी नॉलेज फुल अपग्रेड हो जाएगी आने वाले कुछ ही टाइम में ओके <coughs> okay, राज ओके okay, बड़े ध्यान से सुनना आपकी नॉलेज पूरी अपग्रेड हो जाएगी आप बताओ सीमेंट प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोडक्शन बच्चों अभी तक जो हमने किया है सन 2021 का आंकड़ा मेरे पास है 4.4 4.4 बिलियन मेट्रिक टन कितना आंकड़ा हमने बनाया है बिलियन मेट्रिक टन 4.4 बिलियन मेट्रिक टन बच्चों कोविड के बावजूद देखो ध्यान से उन्नीस में केवल वन बिलियन फिर हम जंप किए फिर जंप किए फिर जंप किए देख रहे हो सीमेंट प्रोडक्शन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ और फिर कोविड के टाइम पर चार पॉइंट चार बिलियन टन मैट्रिक टन सीमेंट पूरे वर्ल्ड ने बनाया पूरे वर्ल्ड ने जबकि कोविड का कहर था मतलब सीमेंट इतना एसेंशियल कॉमोडिटी हो गया है बच्चों कि चाहे दुनिया के इधर से उधर हो जाए लेकिन सीमेंट का प्रोडक्शन रुक ही नहीं रहा है और याद रखना सीमेंट प्रोडक्शन कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्योंकि सीमेंट प्रोडक्शन के तहत कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है जो आपकी ग्रीन हाउस गैस के कैटेगरी में आती है जिससे आपके ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है क्लियर है पॉइंट तो सीमेंट प्रोडक्शन बच्चों याद रखना लिमिटेड है सीमित है कहां पर यह सीमित है बच्चों कहां पर यह इंडिया या चाइना जैसी डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं चाहे यूएसए हो चाहे और कंट्रीज हो वो नहीं चाहते हमारी कंट्री में सीमेंट अप प्रोडक्शन हो उसका कारण क्या है एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहते हैं वो देश लेकिन जब हम लोग हम लोग काफी पीछे थे वो आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने काफी मात्रा में सीमेंट प्रोड्यूस किया तो वहां से फिर जो सीओ टू लिबरेट हुई है वही कारण था एटमोस्फेयर आज तक उसकी जो इम्पैक्ट हैं उसके जो आपके कह सकते हैं दुष्परिणाम है आज तक वो आ रहे हैं सामने क्लियर लेकिन बच्चों हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है अगर हम अपने यहां सीमेंट प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम काफी पीछे रह जाएंगे इकोनॉमिक के आधार पर उसे भी मैं बताऊंगा क्यों देखो जरा ध्यान से ये चार्ट आपको क्या शो कर रहा है सबसे ज्यादा पूरे विश्व के अंदर बच्चों जो सीमेंट बना रहा है ना उसका नाम है चाइना ये चाइना है बच्चों जिसका सीमेंट प्रोडक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा है लगभग लगभग ढाई बिलियन डॉलर के आसपास ढाई बिलियन मैट्रिक टन सॉरी ढाई बिलियन मैट्रिक टन मतलब बिलियंस में पहुंच गया चाइना इससे भी आगे निकल चुका है इंडिया बहुत पीछे है लगभग लगभग थ्री पॉइंट थ्री बिलियन मेट्रिक टन है लेकिन आज की तारीख में सीमेंट प्रोडक्शन की जो हमारी कैपेसिटी है लगभग लगभग पांच सौ मिलियन मिलियन बोल रहा हूं बिलियन नहीं बोल रहा हूं पांच सौ मिलियन टन मेट्रिक टन से आसपास है या उससे ज्यादा निकल चुकी है ठीक है हमारे इंडिया की कंट्री जो है उसकी जो सीमेंट प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो पांच मिलियन मेट्रिक टन से भी आगे निकल चुकी है ध्यान रखना इसके इसके बाद बाद आते हैं छोटे मोटे देश वियतनाम आ गया उसके बाद यूएसए आया जबकि इतना डेवलप्ड कंट्री होने के बाद वो 92 मिलियन टन या मिलियन मेट्रिक टन सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है अब बात करते हैं बच्चों ये एक डाटा है जर्नली सीमेंट प्रोडक्शन पर ईयर कितना होता है चाइना के अंदर टू पॉइंट टू एक रफ आंकड़ा इससे ज्यादा ही होने लगा है अब क्योंकि चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया के अंदर रफ आंकड़ा है 400 से 500 मिलियन मेट्रिक टन सीमेंट प्रतिवर्ष तैयार करने की अक्षमता है उम्मीद है 500 से ज्यादा हो चुकी होगी याद रखना इंडिया के अंदर जो पहला रिकोग्नाइज कंस्ट्रक्शन हुआ है जो पहला रिकॉग्नाइज कंस्ट्रक्शन हुआ है हर की पैडी 1908 के अंदर बच्चों हर की पैडी बनाई गई थी 1908 के अंदर क्या बनाई गई थी हर की पैडी इस तरह की जानकारियां बच्चों अभी आपके पास आ रही हैं इंडिया के अंदर टॉप रैंक कंपनी कौन कौन सी है सबसे नंबर वन बच्चों जो सीमेंट कंपनी इंडिया की फिलहाल चल रही है दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग मैं ये क्वालिटी वाइज नहीं कंपेयर कर रहा हूं ध्यान रखना वाइज कंपैरिजन हो रहा है रिवेन्यू मतलब कमाई तो यहां पर कोई क्वालिटी का सर्टिफिकेट किसी सीमेंट को नहीं दिया जा रहा है सिर्फ रिवेन्यू बेस्ड किस तरीके से किस कंपनी का रिवेन्यू रहा है उसके आंकड़े आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा जो अर्निंग हुई है अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की हुई है उसके बाद अंबुजा सीमेंट लिमिटेड हमारी कंट्री के अंदर है फिर एसीसी लिमिटेड फिर आपका श्री सीमेंट ये भी आपने आजकल बहुत सुना होगा जंगरोधक सीमेंट करके इसके बैग बिकते हैं श्री सीमेंट के ये इंडिया के अंदर बच्चों लीडिंग कंपनीज हैं सीमेंट की ठीक है वो रैंक वन है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग तो रिवेन्यू सबसे ज्यादा अल्ट्रा सीमेंट इस वक्त ले रहा है मार्केट शेयर इसका काफी ज्यादा है क्लियर है पॉइंट लेकिन और कंपनी भी टॉप कंपनीज हैं ऐसा नहीं है कि उनकी क्वालिटी में कोई फर्क है ठीक है क्लियर है पॉइंट अच्छा एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहां पर कौन सी सिटी ध्यान रखना कौन सी सिटी आप मुझे ये बताओ कौन सी सिटी ऐसी है जो सीमेंट सिटी कही जाती है इंडिया के अंदर कौन सी वो सिटी है जो सीमेंट सिटी कही जाती है ठीक है कौन सी सिटी सीमेंट सिटी कही जाती है इंडिया के अंदर याद रखना बच्चों सीमेंट सिटी के नाम से हम जिसे जानते हैं उसका नाम है सतना सिटी कहां है मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी सिटी है सतना सिटी जो कि कहां पर है फिलहाल सीमेंट सिटी के नाम से हम जाते हैं सतना सिटी को याद रखना सतना सिटी हमारी सीमेंट सिटी के नाम से जानी जाती है और जो करंटली बच्चों मध्य प्रदेश के अंदर जो स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश वहां पर है ये सेंट्रल इंडिया के अंदर है याद रखेंगे सतना सिटी लगभग लगभग आठ से नौ परसेंट आठ से नौ परसेंट इंडिया का जो टोटल है वो एक ही शहर में सीमित है सतना सिटी उसका नाम है जिसे सीमेंट सिटी बोला जाता है क्लियर है पॉइंट बात समझ आई है क्लियर चैनल को लाइक जरूर करना सब्सक्राइब जरूर करना वहां पर वो मत भूल जाना और एस एस जेई के कोर्सेज चल रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जिसे भी आप जानकारी चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर बच्चों आप लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर और लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का वहां से आप पता कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं लेकिन याद रखना जो भी बच्चा कॉन्टेंट जो भी बच्चा कॉन्टेंट पसंद कर रहा है उसे तैयारी करनी है तो ज्यादा वेट मत करे इधर उधर की मत देखे अपना फोकस तय करें कि अगर यहां समझ आ रहा है तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें लेट मत करें बस क्लियर ये बात ध्यान रखना लेट मत करें मैं उसका कारण है मैं क्यों जोर देता हूं इस शब्दों पर लेट मत करें क्योंकि मेरे पास हर साल कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो काफी लेट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक आ, उनके लिए भी एक ये पार्शियली सिलेबस उन्हें करना पड़ता है अगर आप टाइम से आएंगे टाइमली कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है बच्चों जो आपका सिलेबस टाइमली खत्म होने से रोक दे क्लियर है पॉइंट आगे बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी दूसरी एक बहुत 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 बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो सीमेंट बनाता है ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है बताएगा कोई बच्चा इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस करता है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट इन इंडिया इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा सीमेंट प्रोड्यूस कर रहा है क्लियर है पॉइंट क्लियर बताओ जल्दी ध्यान रखना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट याद रखना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं इट इज नथिंग बट मध्य प्रदेश फिलहाल अभी मध्य प्रदेश 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 को माना जा रहा है 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 इसके इसके बाद आता है इसके बाद आता आता आंध्र आंध्र किसका नंबर आता है? याद रखना आपको कहीं जगह ऐसा डाटा मिलेगा आंध्र प्रदेश सबसे नंबर वन पर है लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना से अलग हुआ तो वो नंबर टू पर आ गया मतलब आंध्र में से तेलंगाना टूटा था तो वो नंबर टू पर आ गया एमपी मध्य प्रदेश नंबर वन पर आता है ध्यान रखना और नंबर टू पर आता है आंध्र प्रदेश उसके बाद राजस्थान आदि और भी राज्य हैं जैसे राजस्थान कर्नाटका और गुजरात याद रखना कर्नाटका गुजरात ये आंध्र प्रदेश राजस्थान कर्नाटका गुजरात ये सीमेंट प्रोड्यूसर है कर्म है इनका ये ये सीमेंट प्रोड्यूसर है अपने देश के अंदर कौन सा राज्य कितना सीमेंट बनाता है तो सबसे ज्यादा सीमेंट कौन बनाता है बच्चों सबसे ज्यादा सीमेंट बनाता है मध्य प्रदेश फिलहाल के सिनेरियो को देखते हुए कल को जाके चेंज भी हो सकता है ठीक है ध्यान रखना ये बातें अच्छा याद रखना अगर कोई पूछे इंडिया के अंदर कौन सा रीजन रीजन मतलब क्षेत्र सबसे ज्यादा सीमेंट बनाता है तो याद रखना साउथ इंडिया साउथ इंडिया सबसे ज्यादा सीमेंट बनाता है उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ इंडिया नॉर्थ इंडिया उसके बाद आता है सबसे बड़ा शेयर जो है सीमेंट प्रोडक्शन में वो साउथ इंडिया का है याद रखना है ये बात सीमेंट जब से ज्यादा जो बनता है वो साउथर्न इंडिया में बनता है साउथ साइड में बनता है क्लियर है पॉइंट ओके okay, याद रखना ये पॉइंट अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर अच्छा एक बात में तुमसे ये पूछना चाहता हूं अभी आ गया था तुम देख भी लोगे फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है आंसर करो सिविल इंजीनियरिंग का फादर कौन है क्यों बच्चों सिविल इंजीनियरिंग का फादर कौन है फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कौन है जल्दी से बताओ कंप्लीट यूट्यूब uh, पे नहीं हो पाएगा एप पर होगा वी आर ऑलरेडी लेट नो पूजा रानी अभी लेट नहीं हुआ है इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन ठीक है अभी लेट नहीं हुआ है फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कौन है मेरा क्वेश्चन है और आंसर इसका देखते हैं कौन बच्चा बताएगा इतनी देर में यू गूगल कर लेता है नॉर्थ इंडिया में कहां कहां होता है सीमेंट प्रोडक्शन ध्यान रखना नॉर्थ इंडिया के अंदर तुम्हारे उत्तराखंड में भी है यूपी के अंदर भी प्रोडक्शन हो रहा है जे एंड के में भी प्रोडक्शन हो रहा है समझ रहे हो यहां पर भी प्रोडक्शन हो रहा है याद रखना यह बात तुम्हारे आ, तुम्हारे पास में ही रुड़की सिटी में है हम लोग हमारे पास के ही सीमेंट प्रोडक्शन हो रहा है सीमेंट प्लांट वहां लगाए जाते हैं जहां पर रॉ मेटेरियल आसानी से उपलब्ध हो जाए क्योंकि अगर रॉ मेटेरियल बहुत दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत बढ़ता है क्लियर है पॉइंट हाँ ये देखो ये आए यूके कॉमरेड जॉम्स ये बिल्कुल सही बताए जॉम्स अच्छा ये बताओ चलो यूके कॉमरेड तुम्हें पता है ये कहाँ के हैं जल्दी से बता दो जल्दी से जॉन सीमेटॉन ये यूके के हैं है इनो ये सेल्फ क्लेम्ड सेल्फ क्लेम्ड सिविल इंजीनियर है इन्होंने खुद को सिविल इंजीनियर कहना शुरू किया था अब क्यों इन्होंने सहना शुरू किया था क्योंकि ये वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हाइड्रोलिक लाइम का इन्होंने सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया था फिर से सुन लेना जो सिविल इंजीनियर फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है जिन्हें उन्होंने हाइड्रोलिक लाइम का यूज किया था बड़े बड़े ब्रिज बनाने में जो पुराने जमाने के कैनाल आदि को बनाने में उनकी लाइनिंग आदि करने में तो इन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाए थे उनमें लाइम हाइड्रोलिक लाइम का यूज था और ब्रिक के जो चूरे होते थे ईंटों का जो चूरा होता था उसका इस्तेमाल करके कॉन्क्रीट प्रोड्यूस किया था याद रखेंगे ये बात क्लियर तो बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉन सिमेटन ये हमारे हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग क्या कहलाते हैं ये फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहलाते हैं बच्चों ध्यान रखना और क्रेडिटेड फॉर डिजाइनिंग मैनी ब्रिज कैनाल हार्बर्स मतलब इनके इनको श्रेय जाता है बहुत सारे इस तरह के जो सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है बनाने का लेकिन यूज किया था हाइड्रोलिक लाइम ना कि सीमेंट अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों के सामने आने वाला है इंडिया के फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है हु इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया हमारी कंट्री का कौन है ये तो जर्नली वर्ल्ड में इसमें जाना जाता है वो बात अलग है इन्होंने खुद को पहली बार ये नाम दिया था कि मैं सिविल इंजीनियर हूं ठीक है लेकिन इंडिया के अंदर सिविल इंजीनियर कौन है जिसे हम इंडिया का सिविल इंजीनियर मानते हैं वेंकटेश्वरा वेंकटेश्वरा आर यू आर यू श्योर वेंकटेश्वरा जल्दी से अरे यार इतने तुम लोग देख रहे हो यू मस्ट नो कि भाई तुम्हारा को ये बताया यूके कॉमरेड भाई गूगल खोल रखा है क्या लेकिन बिल्कुल सही बताया तुमने पूरा लास्ट तक का नाम सही बताया तुमने मोक्ष गुंडम विश्वेश रवैया क्या नाम है इंडिया के जो फादर ऑफ सिविल इंजीनियर कहा जाता है जिन्हें ये हैं आपके मोक्ष गुंडम विश्वेश रवैया विश्वेश वरैया सॉरी साउथ इंडियन नेम है बहुत बड़ा नेम है कम से कम हम एक्से एक एक ये मान के चलते हैं जो हमारे भारतीय नाम है वो हमें याद हो जाए लेकिन हमारे जो ये फादर ऑफ सिविल इंजीनियर है इंडिया के इनका नाम थोड़ा सा लंबा जा रहा है और आप जान सकते हैं लाम की, नाम की लंबाई को देखते हुए ये साउथ इंडिया से बिलोंग करते होंगे ठीक है खैर इनके नाम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे क्रेडिट्स हैं इनके पास जो इन्होंने डेवलपमेंट दी है सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में खैर इन्हीं के नाम पर हम इंडिया के अंदर सेलिब्रेट भी करते हैं इंजीनियर्स डे अब इंजीनियर्स डे आता है ना तो हम किस लिए सेलिब्रेट करते हैं इनके जो बर्थडे है बर्थडे के उसमें सेलिब्रेट करते हैं अपना इंजीनियर्स डे खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों सीमेंट का पूरे विश्व के अंदर सबसे पहला पेटेंट किसे मिला ये क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल है हटा देता हूं सीमेंट का सबसे पहला पेटेंट किसे मिला ठीक है सीमेंट का पहला पेटेंट किसे मिला सीमेंट का पहला पेटेंट मिला बच्चों जेम्स फ्रॉस्ट को याद रखना सीमेंट का पहला पेटेंट जेम्स के नाम था ना कि जेसफ एस्पिडन के नाम और जेम्स को यह पेटेंट अठारह में मिल चुका था लेकिन लेकिन बच्चों जो है आज का जिसे हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट क्या नाम देते हैं पोर्टलैंड सीमेंट इसका पेटेंट मिला हुआ है जोसेफ एस्पीडन को और यह क्वेश्चन पूछा जाता है किस ईयर में 1824 के अंदर इन्हें पेटेंट मिला था याद रखना सिमिन्ट, खाली सिमिन्ट की बात करें तो जेम्स फ्रॉस्ट लेकिन अगर पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो जोसेफ एसपीडन वो व्यक्ति है जिन्हें सीमेंट का पेटेंट लिया था जिन्होंने सबसे पहले एक अधिकार जिन्हें बताया गया था के आविष्कार सीमेंट के जनक जोसेफ एस्पीडन को माना जाता है लेकिन वो पोर्टलैंड सीमेंट है याद रखना ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है आपके एग्जाम में कि जेम्स फ्रॉस्ट था कि जोसेफ एस्पीडन था मैंने आपको क्लियर किया खाली सीमेंट की बात करते हैं तो वो जेम्स फ्रॉस्ट थे लेकिन पोर्टलैंड सीमेंट की बात करते हैं तो जोसफ ए स्पीडन है याद रहेगा ये पॉइंट अगली बात इंडिया में सबसे पहले कब सीमेंट की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई कब वो टाइम था जब इंडिया सबसे पहला याद रखना कब वो टाइम था जब इंडिया सबसे पहले निशा आर्या गुड इवनिंग लेट हो गई नो प्रॉब्लम लेट नहीं है अभी भी यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी लेट नहीं है आप पीछे करके देख सकते हैं अगर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप लोग बच्चों सभी तो याद रखना मेरी बात ज्यादा लेट मत कर देना अदरवाइज एक महीने के अंदर आप थर्टी मार्क्स लूज करेंगे इस अपकमिंग एस एस जेई के अंदर कंटेंट पढ़ाने का बच्चों तरीका मेरा बड़ा सिंपल रहता है सब बच्चों को याद करवा देते हैं है, ताकि बच्चा उन्हें समझ पाए जब तक इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा तब तक आप सीखेंगे नहीं तो मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही रहता है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का कि बच्चे का इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो पाए अगर वो बच्चा इंटरेस्ट डेवलप कर पाया उस टॉपिक में वो मुझे फिर बताने की जरूरत नहीं है वो खुद सीखेगा तो कोशिश यही रहती है तो जर्नल जानकारियां इसीलिए होती हैं ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो उस पर्टिकुलर फील्ड में जो आप पढ़ने जा रहे हो क्लियर है पॉइंट तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं इंडिया के अंदर सबसे पहले 1903 में समवेयर इट इज रिटन 1904 दैट इज मैटर ऑफ द हिस्ट्री बट हमें याद रखना है अप्रोक्सिमेटली उन्नीस के अंदर इंडिया के अंदर सबसे पहली कंपनी लगाई गई साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड लेकिन बच्चों कंपनी फ्लॉप हो गई यह चल नहीं पाई क्यों उस वक्त क्या था लोग इंडिया में गारे की चिनाई चूने की चिनाई ये सब करने में बड़े व्यस्त थे और उन्हें अच्छी भी ये लगती थी गारे की चिनाई से ठंडक बनी रहती थी कम पैसों में हो जाती थी और उनके लिए बहुत सही था फर्श बनाने के लिए गोबर बढ़िया मटेरियल हमारे लिए हुआ करता था गोबर को अच्छे से गूंद के और अपने फर्श पर बढ़िया से लगा दिया करते थे और बढ़िया खुशबू उसमें से आया करती थी हमें लेकिन धीरे धीरे समय बदला लोगों ने फिर क्या किया सीमेंट का इस्तेमाल करना शुरू किया सभी कार्यों में जो पहले चूने से या फिर आप गारे की चिनाई से किया करते थे मर्ड आदि से यूज करके आप करते थे तो उन्नीस के अंदर फिर सीमेंट की कंपनी स्टार्ट हुई गुजरात के पोरबंदर में और फिर यह कंपनी यहां से डेवलप करना शुरू कर गई और इंडिया के अंदर सीमेंट की फिर लहर आनी शुरू हो गई और आज देख लो जहां इंडिया पहले एक टन सीमेंट भी पूरे साल में नहीं बना रही थी आज की की तारीख में बच्चों इंडिया लगभग लगभग मिलियन टन कैपेसिटी रखती है सीमेंट को तैयार कर सकती है इंडिया इतना तो कहीं ना कहीं हम वहां से लेके यहां तक पहुंचे हैं सीमेंट प्रोडक्शन में क्लियर है पॉइंट अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर चलते हैं बच्चों इंडिया के अंदर टोटल कितने सीमेंट प्रोडक्शन के प्लांट हैं याद रखना बच्चों टोटल 210 सौ अभी इस आंकड़े में ऊपर नीचे हो सकता है ऐसा नहीं है बिल्कुल फिक्स है 210 तो मेजर प्लांट है हमारे जो बड़े प्लांट है लेकिन साढ़े तीन सौ के आसपास छोटे मोटे प्लांट भी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं याद रखना बड़े प्लांट हमारे यहां कितने हैं 210 जिनकी कैपेसिटी बड़े प्लांट की चार मैट्रिक टन है अकेले वही बच्चों चार सो दस टन सीमेंट बना सकते हैं और ये बड़े बड़े प्लांट आप समझ सकते हैं किन कंपनीज के होंगे जिनके नाम मैंने आपको शुरुआत में बताए अच्छा मैं एक और बात बता दूं जितनी भी हमारी कंपनीज हैं इंडिया की पूरे वर्ल्ड की अगर सीमेंट प्रोडक्शन की कंपनी देखे तो हमारी कंपनी टॉप टेन में भी नहीं आती है रिवेन्यू जनरेशन के मामले में क्लियर पॉइंट तो इंडिया के अंदर से सीमेंट एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया में खपत भी होती है इसकी याद रखना ये बात इसके बारे में याद रखना बच्चों साढ़े तीन सौ प्लांट हमारे क्या हैं साढ़े तीन सौ प्लांट मिनी प्लांट हैं साढ़े तीन सौ प्लांट क्या है हमारे मिनी याद रखना इंडिया के अंदर लगभग तिरसठ हजार करोड़ कितना बच्चों तिरसठ हजार सात सौ इकहत्तर करोड़ रुपए की सेल हुई है सीमेंट की बाई दो हजार बाईस सॉरी दो हजार बीस के अंदर दो हजार बीस के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया के अंदर तिरसठ हजार सात सौ इकहत्तर करोड़ सीमेंट इतने रुपए का सीमेंट बिच गया है इंडिया की मार्केट के अंदर याद रखना बच्चों थोड़ी छोटी मोटी मार्केट नहीं है मार्केट काफी बड़ी है मार्केट काफी बड़ी है सीमेंट की याद रखना यह बात अब बात करते हैं बच्चों अगले पॉइंट पर जहां से हम चलते हैं अपने टेक्निकल पार्ट पर जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा यहां से जो इंफॉर्मेशन आएगी जर्नल अवेयरनेस के लिए काफी है और यह इंफॉर्मेशन बच्चों सारी आपको टॉपिक का इंटरेस्ट बना के देंगे ठीक है तो अब आते हैं बच्चों अपने मेन कार्यक्रम पर देखो सीमेंट को बनाने में रॉ मेटेरियल क्या लगते हैं रॉ मेटेरियल को आप बोलते हो कच्चा पदार्थ रॉ मेटेरियल को आप बोलते हो कच्चा पदार्थ याद रखना बच्चों सीमेंट को बनाने के लिए जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनमें चूना पत्थर या फिर ऐसे पत्थर जिसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा हो उसकी रिक्वायरमेंट रहती है दूसरा ऐसी चीज जिसके अंदर एल्यूमिना का स्रोत हो एल्यूमिनियम का स्रोत हो चाहे एल्यूमिनियम का स्रोत हो वो मात्रा उसकी रहती है इसके अलावा सिलिका भी कई बार ऐड करनी पड़ती है एडिशनली अगर वो उस तरह के मटेरियल में नहीं है और कई बार आयरन भी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ सकता है आपको रॉ मटेरियल के तहत तो कॉमन रॉ मेटेरियल अगर हम देखें मुख्य रूप से दो ही भागों में बांटे जाते हैं बच्चों क्योंकि ये जो आयरन है ये जो सैंड है जिसमें सिलिका प्रेजेंट होता है ये हमें कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाता है बेसिक से ही ठीक है तो रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं बच्चों की कोशिश करते हैं बिल्कुल ओके आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बच्चों अब रॉ मटेरियल हमने बताए आप लोगों को चूना पत्थर दो प्रकार के हैं कैल्सेरियस मतलब हिंदी में बोलते हैं कैल्शियम की अधिकता वाले पदार्थ जिनमें कैल्शियम की अधिकता होती है आर्गिलेशियस जिनमें एल्यूमिना की अधिकता होती है एलुमिनियम की अधिकता होती है याद रखना ये दो पदार्थ मेनली हमें इस्तेमाल करने होते हैं लगभग लगभग पैंसठ परसेंट के आसपास आपके कैल्शियम वाले होते हैं और 35 परसेंट के आसपास आपके एल्यूमिना वाले होते हैं इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि के केवल कैल्शियम और केवल एल्यूमिनियम दो ही चीज है नहीं एल्यूमिनियम अधिकता यह शब्द समझो एल्यूमिनियम की अधिकता होती है इसका मतलब यह नहीं कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम है इसमें और भी तत्व हो सकते हैं जो कैल्शियर कैल्शियरियस मेटेरियल की बात करें तो इसमें भी सिलिका आदि मिक्स हो सकते हैं याद रखना बच्चों रॉ मेटेरियल दो प्रकार के हैं कितने प्रकार के रॉ मेटेरियल दो कैल्शियम की अधिकता वाले एल्यूमिनियम की अधिकता वाले और रॉ मेटेरियल के अंदर अगर हम देखें कैल्शियम की अधिकता वाले कौन कौन से हैं बच्चों तो उसमें चूना पत्थर उसमें चौक पत्थर उसमें मार्ल मैराइनशेल कैलसाइट सिमेंट रॉक ये सारे वो पत्थर हैं बच्चों जिनके अंदर ये सारी वो चट्टाने हैं जिनके अंदर कैल्शियम है इसके अलावा आपके पास एरगोनाइट ये भी वो पत्थर है बच्चों जिसमें कैल्शियम है इसके अलावा आपके पास डोलोमाइट ये भी वो पत्थर है जिसमें कैल्शियम है और कैल्शियम किस रूप में प्रेजेंट है यहां पर बच्चों कैल्शियम प्रेजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में दिख रहा है आप लोगों को ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट ये आप देख सकते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट है याद रखना बच्चों ये सारे आपसे एग्जाम में पूछेगा इनमें से कौन सा पत्थर सीमेंट के प्रोडक्शन में यूज नहीं किया जाता तो आपको सारे नाम पता होने चाहिए ऐसा नहीं चलेगा कि आपने एक नाम यूज कर लिया है कि चर चूना पत्थर लाइम यूज करते हैं नहीं चूना पत्थर भी यूज करते हैं चाक पत्थर भी यूज करते हैं माल पत्थर भी यूज करते हैं मेराइल शेल को आप हिंदी में बोलते हो बच्चों समुद्री मैं लिखता हूं समुद्री घेंगा टाइप कुछ बोलते हो ठीक है वो आप देख लेना एक बार हिंदी की बुक में कैल्साइट पत्थर सीमेंट रॉक ये सारे पत्थर बच्चों एरगोनाइट भी ये सारे पत्थर सीमेंट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं निर्भर ये करता है कि किस स्थान पर कौन सा पत्थर अवेलेबल है क्लियर है पॉइंट जबकि दूसरे जो मेटेरियल हैं जिन्हें आर्गिलेशियस मेटेरियल कहते हैं उनमें शेल क्ले स्लेट ये बड़े ही मुख्य पत्थर हैं बच्चों शेल क्ले स्लेट ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पत्थर है याद रखना यह सारे के सारे आप लोगों को सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में लगेंगे ही लगेंगे क्लियर पॉइंट ये सारे के सारे आपको सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में लगेंगे ही लगेंगे बड़े ध्यान से सुनना बच्चों आप लोगों के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की कोशिश करूंगा इसके बाद आप लोग कोई बुक बनाए इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएससी की बुक बनाएंगे वो आपकी पूरी बनेगी सीमेंट के एक एक क्वेश्चन की गारंटी लूंगा एस एस तो बहुत छोटा एग्जाम है ईएससी की गेट की या कोई भी बड़ा एग्जाम आपका ए का हो या किसी का भी हो एक क्वेश्चन सीटी का नोट्स के बाहर जाएगा नहीं इवन सी का नहीं जो जो सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल पूरी रिसर्च के साथ पढ़ाऊंगा दुनिया भर की टेस्ट सीरीज में लगाता हूं बैठ के जिनमें क्वेश्चन नए ढूंढता हूं और वो आपके नोट्स में हर साल अपडेट करता हूं हर साल अपग्रेड होता है कोई बच्चा अगर सोचे मेरे पिछले साल के नोट्स देख के कर लेगा नहीं हो पाएगा इस साल जो कंटेंट मिलेगा वो पिछले साल से कई गुना बेहतर होगा कई गुना अपडेटेड होगा क्लियर पॉइंट आगे बढ़ते हैं बच्चों ये देखो ये चूने पत्थर की चट्टाने हैं जब इनका अलॉटमेंट होता है चूने पत्थर की चट्टाने तो सरकार इनके अलॉटमेंट करती है बड़ी बड़ी कंपनी इन्हें लेती है और फिर वो चट्ट वो क्या करती है वो कंपनी इन पत्थरों को इन्हें चट्टानों को तोड़ती है कैसे तोड़ती होगी विस्फोट कराकर बड़े बड़े विस्फोटक यूज किए जाते हैं विस्फोटक में जो यूज किए जाते हैं बच्चों ब्लास्टिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है गन पाउडर का इस्तेमाल करा जा सकता है वैसे तो जर्नली बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग पाउडर का इस्तेमाल करा जाता है इसके अलावा आप लोग डायनामाइट का इस्तेमाल करते हैं डेटोनेटर बनाया

केमिकल कंपोजिशन क्या होती है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है केमिकल कंपोजिशन देखो आपने कहा सर जो रॉ मटेरियल है उसमें ये तो चूना पत्थर है या है लेकिन ये तो मोटे तौर पर आप देख रहे हो ना ऊपर ऊपर देख रहे हो चूना पत्थर तोड़ के ले आए ये मिट्टी ले आए कहीं से चिकनी मिट्टी दोनों को मिलाना है लेकिन उनके अंदर रसायन क्या क्या प्रेजेंट है केमिकल क्या क्या प्रेजेंट है ये भी जानना बड़ा जरूरी है क्योंकि अगर रासायनिक इधर उधर रसायन इधर उधर हो गए तो बच्चों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्लियर पॉइंट अच्छा एक और बात मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं अनाउंस कर देता हूं बच्चों सभी को कल आपके जीएस का बैच स्टार्ट हो जाएगा SSC के लिए और जीएस का बैच कल आपका 11 से 12 के बीच में होगा सीटी का जो लेक्चर होगा हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का 9 बजे से शुरू होगा 11 बजे खत्म होगा 11 बजे से हमारा जीएस का लेक्चर शुरू होगा 12 बजे खत्म होगा 12 बजे से हमारा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर शुरू होगा डेढ़ बजे खत्म होगा फिर डेढ़ बजे के बाद हमारा शुरू होगा ढाई बजे दोबारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का लेक्चर तो ये कल का स्केड्यूल है जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं वो जान ले क्लियर है पॉइंट अब हम देर नहीं करेंगे आपके रीजनिंग का लेक्चर डेढ़ से ढाई कोशिश करेंगे आपके जीएस का लेक्चर मॉर्निंग में या फिर किसी भी स्लॉट में कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आप इसे स्टार्ट कर पाएँ क्लियर है पॉइंट आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं बच्चों एक बात बताओ रॉ मेटेरियल याद रखना बच्चों कंपटीशन डर के नहीं निकलता इंटेंसिटी से पढ़ के निकलता है जब आप पूरी ताकत झोंकोगे तब आपका कंपटीशन निकलेगा क्लियर है पॉइंट ओके हंड्रेड एंड वन परसेंट गेट के अंदर अगर इससे बाहर सिटी का क्वेश्चन आएगा ना दो के अंदर एग्जाम होगा तो आप बताना मैंने पूरा डिटेल रिसर्च किया है गेट किस तरह के क्वेश्चन पूछता है गेट के अंदर सीटी के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं ईएससी के अंदर ठीक ठीक क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई के अंदर अटपटा क्वेश्चन आता है लेकिन मैं उसे भी कवर करके चलूंगा चाहे कैसा, कैसा वाला है इस बारी ठीक है तो कोशिश ये रखते हैं बच्चों अपने कॉन्टेंट को फुल्ली अपडेटेड रखेंगे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड कितना है तिरसठ देखो स्पेशलिटी दिखाऊंगा क्या है कोचिंग में किस तरह से याद कराता हूं सिलिकॉन ऑक्साइड क्या है बीस एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है छह परसेंट आयरन ऑक्साइड क्या है तीन परसेंट मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है दो परसेंट एल्कली कितनी है एक परसेंट और सल्फेट कितना है डेढ़ परसेंट यह केमिकल कंपोजिशन है बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनना बड़े ध्यान से बच्चा कहता है सर याद नहीं होगा पता नहीं कैसे याद होगा ये तो मतलब बहुत सारा भूल जाऊंगा मैं भूलोगे नहीं भाई कैसे नहीं भूलोगे आप कैल्शियम ऑक्साइड का याद करे हो तिरसठ परसेंट चलो याद हो गया हालांकि रेंज होती है साठ से लेके सड़सठ परसेंट के बीच में ये हो सकता है लेकिन अभी उसे अवॉइड करो अभी उस बात को अवॉइड करो अभी ये देखो जो मैं सिखा रहा हूं सिलिकॉन ऑक्साइड होता है ठीक है आप एक काम करो सिलिकॉन परसेंट को सिलिकॉन की परसेंटेज को बीस की जगह याद कर लो बस अगर तुम कर सकते हो बीस इक्कीस में कोई फर्क नहीं पड़ता सुना होगा ना तुमने हो हो जाए 20 -20 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है इक्कीस है मान लो सिलिकॉन अब देखो कैल्शियम सिलिकॉन सिलिकॉन के बाद क्या एल्यूमिना चलो एल्युमिना है लेकिन परसेंटेज कितनी जो सबसे पहले है वो लिखो कितना है छे ऊपर वाला याद हो गया बस इसके बाद आता है नंबर आयरन का आयरन की परसेंटेज कितनी छ के बाद किसका नंबर था तीन तो आयरन की परसेंटेज है तीन इसके बाद किसका नंबर आता है मैग्नीशियम एमजीओ एमजीओ में किसका नंबर आता है दो तो दो परसेंट इसके बाद क्या है एलकली एलकली में किसका आता है एक तो इसकी परसेंटेज है एक और लास्ट में बचा सल्फेट इसका ऑन एन एवरेज डेढ़ परसेंट आप मान सकते हो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है कहीं एक से ढाई दिया होता है कहीं एक से तीन दिया होता है एवरेज में से डेढ़ मान के चलते हैं <laughs> निशा एक्सट्रीमली सॉरी बट ये लेक्चर्स मैं आप लोग समझे इस बात को यूट्यूब पे शायद ना करा पाऊं लेकिन हाँ मैं आपको कोशिश ये करूंगा अगर लाइव बच्चे आकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर प्लीज कंटिन्यू द लेक्चर ऑन यूट्यूब आल्सो सो मैं डेफिनेटली करूंगा बट बच्चों की डिमांड पे देखो मेहनत लगती है इधर लाइट जल रही है उधर लाइट जल रही है आंखों पर पड़ती है मेहनत लगती है वो मैं नहीं कोई भी टीचर करता हूं मेहनत लगती है वो मेहनत तब लगती है कि जब टीचर अकेला रूम में कोई नहीं है तुम देखो यहां पर आकर कोई 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 नहीं 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 बैठा बैठा देख, देख रहा हूं किसे देख रहा हूं किसे देख रहा हूं उन बच्चों को देख रहा हूं जो उधर दूसरे एंड पर मोबाइल खोल के बैठे हैं समझ रहे हो अगर उधर कोई नहीं है तो मैं क्यों चिल्लाऊंगा फिर कोई होना चाहिए ना सामने कोई होना चाहिए ना तो अगर है तो फिर मैं बोलूंगा अगर नहीं है तो नहीं क्योंकि अगर लाइव में आप लोग <laughs> सर ये ट्रिक तो चेतन सक्सेना वाली हो गई चेतन सक्सेना बच्चों मुझे नहीं पता कौन है मैं जानता नहीं हूं ये ट्रिक मैं सन 2012 से पढ़ा रहा हूं अगर सन 2012 से वो पढ़ा रहे हैं तो बात अलग है ठीक है सन 2012 से मैं बच्चों को ये ट्रिक पढ़ाता रहा हूँ आज नहीं पढ़ाया हूं मैं ठीक है और मुझे पता भी नहीं तुम किस टीचर का नाम ले रहे हो ठीक है एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट सर बट मैं जान नहीं रहा हूं ऐसी ट्रिक नहीं है मेरे पास एक ट्रिक नहीं है तुम मुझे किसी से कंपेयर मत करना तुम्हें तो पूरी सिविल इंजीनियरिंग की ट्रिक हाथ पे दिखा दूंगा पूरे स्टोन पढ़ाऊंगा एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को उंगली पर रटा दूंगा ठीक है वो क्यों रटा दूंगा क्योंकि सारी ट्रिक्स अपने आप जनरेट की गई है ये ट्रिक नहीं है ये एक पैटर्न है दिस इज नॉट द ट्रिक याद रखना ये ट्रिक नहीं है ये एक पैटर्न है ये मैं नहीं तुम भी ऑब्जर्व कर सकते हो ये मैं नहीं तुम भी ऑब्जर्व कर सकते हो ध्यान रखना एक अभी मैं अभी मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते लेकिन हाँ याद रखना बच्चों ये देखने का नजरिया होता है वो कोई भी देख सकता मैं नहीं कोई और सर भी देख सकता है ठीक है कोई और सर भी देख सकता है तो ये ट्रिक नहीं है ये पैटर्न है याद रखना तो पैटर्न ऑब्जर्व कोई भी कर सकता है जो पढ़ लेता है चीजों को बार बार वो ऑब्जर्व कर लेता है क्लियर है पॉइंट तो सिक्स थ्री टू वन और लास्ट में डेढ़ परसेंट इस तरीके से आप इस कंटेंट को याद रख सकते हो क्लियर <laughs> है पॉइंट ठीक है ओके थैंक्स अलॉट अगर आपको क्लास पसंद आई ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो अभी तुमने जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना वो मुझसे नहीं पढ़े आर नहीं पढ़ा जिस दिन आर पढ़ोगे तुम्हें लगेगा कि यार यही बेस्ट है तुम सॉयल पढ़ोगे तुम्हें लगेगा शायद यही बेस्ट है तो वो अलग बात है इसीलिए हमारे ऑफलाइन के अंदर बच्चों मैं फिर से रिपीट करता हूँ काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं मैं ये नहीं कहूँगा कि कितने पढ़ते हैं कितने नहीं पढ़ते हैं बहुत बच्चे पढ़ते हैं हम लोगों की कोचिंग के अंदर बिजनौर मुजफ्फरनगर आपके जो इधर बागपत है शामली है इधर से बच्चे लेके उधर पहाड़ों में पिथौड़ागढ़ उत्तरकाशी समझ रहे हो देहरादून चकराता आप इस पूरी बेल्ट को लगा लो जितने भी हिली एरिया के बच्चे हैं वो भी आगे पढ़ते हैं और जितने भी यूपी साइड के हैं वो भी आगे पढ़ते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशलाइज्ड हम लोगों के यहाँ आते हैं रूम लेते हैं रेंट पे रहते हैं और पूरे साल मेहनत करते हैं मैं आपको एक एक बच्चे से अभी मिलवा नहीं रहा हूँ यूके पी जेई के रिजल्ट के बाद मिलवाऊंगा एक एक बच्चा ऐसा है जिसकी वास्तव में जरूरत है एक लड़के का नाम बताता हूँ तुम्हें लड़के का नाम था दिनेश गांधी करके नाम था अगर मुझे सही नाम याद है उस बच्चे का वो फिजिकली थोड़ा सा डिजेबल था और फैमिली में बच्चों मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा संपन्न था उस वक्त आर्थिक तंगी थी उसे ठीक है तो वो बच्चा कोचिंग में आया था गांधी पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था वो उस वक्त आ, उस वक्त उसने पास आउट किया था गांधी पॉलिटेक्निक से और उसने जब कोचिंग ज्वाइन किया तो बड़ी उम्मीद के साथ किया था तो मैंने भी बच्चे को देखा समझा और मुझे लगा कि शायद बच्चा अपने जो टारगेट है उसे ले लेगा शुरुआत में थोड़ी असफलताएं मिली वो बच्चा भी निराश हुआ लेकिन फाइनली वो आर आर जेई के अंदर सेलेक्ट हो गया जब वो आर जेई के अंदर सेलेक्ट हुआ उसने अपना जो अपॉइंटमेंट लेटर वहां से आता है वो मुझे शेयर किया मुजफ्फरनगर से और वो मैं बता नहीं सकता उस बच्चे की क्या खुशी थी क्योंकि देखो फिजिकली डिजेबल्ड जो बच्चा है कहीं ना कहीं बच्चों उसके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ा सपोर्ट है ठीक है बहुत बड़ा सपोर्ट है और वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बच्चे मतलब ऐसा नहीं मैं कहूँगा वो सोसाइटी में कहीं भी अच्छा कर सकते हैं कहीं भी अच्छा कर सकते हैं लेकिन उन्हें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है जो सबसे बढ़िया उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है वो ये होती है जितने भी बच्चे बच्चों मुझे ऐसा पर्सनल ओपिनियन है अगर हमारी कंट्री के अंदर से गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दी जाएंगी मेरी बात को ध्यान से सुनना अगर हमारे देश से गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दी जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों एक बड़ा समाज हमारा ऐसा है जो पीछे रह जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट का एक प्लान था एक विजन था एक हमारा जो संविधान लिखा गया था उसका एक विजन था रिजर्वेशन को डालने का इस बात पे बहस हो सकती है रिजर्वेशन के तरीके में संशोधन किया जाए उससे मैं एग्री करता हूं लेकिन रिजर्वेशन का होना हमारे सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है उसका कारण क्या था एक बड़ा समाज पीछे रह सकता है अगर गवर्नमेंट जॉब हटा दी जाए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा कहीं और आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल नहीं रहा है यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट तो एक प्रयास जो समाज को उठाने का था उसका माध्यम गवर्नमेंट जॉब्स है उसका माध्यम गवर्नमेंट जॉब्स है तो उन बच्चों को बच्चों कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल जो थिंकिंग है पर्सनल जो थॉट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिजर्वेशन का मूल सोच थी वो यही थी कि जो एक समाज है उसे उठाया जाए तो ऐसे बच्चे बच्चों जब मेरे पास आते हैं तो मेरा मतलब विशेष उन लोगों के साथ चाहे वो किसी पहाड़ी क्षेत्र से हों बड़े हिली एरिया से हों चाहे वो मुजफ्फरनगर या फिर कहीं से भी आ रहे हो मेरे पास पढ़ने चाहे वो रुड़की के आसपास के क्षेत्र से हों एक विशेष सहानुभूति रहती है मैं चाहता हूँ उन बच्चों की नौकरी लगे क्योंकि हमें चाहिए कि उस समाज के अंदर उस सोसाइटी के अंदर एक आइडियल बच्चा खड़ा हो कि देखो हम लोग भी कम नहीं है चाहे कोई बच्चा किसी सिटी में रहता हो कहीं रहता हो उसे चाहे किसी लेवल पर एजुकेशन मिली हो लेकिन हमने भी अपने कैलिबर के आधार पर एक ऐसी जॉब मिली है जिसे हम डिजर्व करते हैं और जिसे हमारे पूरी सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल होगा ताकि उधर उस सोसाइटी के अंदर एजुकेशन बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट की जा सके एजुकेशन को बहुत बड़े स्तर पर प्रमोट किया जा सके बच्चों वही ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन का वही ऑब्जेक्टिव था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और जहां तक मुझे लगता है काफी हद तक वो सफल भी रहा है प्रयास कुछ असुधार होने की जरूरतें हैं वो मैं उससे इंकार नहीं कर रहा हूं जो संविधान विशेषज्ञ है वो इस मुद्दे पर चर्चा करें और इस मामले पर कोशिश करें जल्दी से जल्दी कोई डिसीजन बनाए क्योंकि देखो देश में आजकल जिस तरह की डिबेट जिस तरह के डिस्कशन जिस तरह का मीडिया नेरेटिव बनाता है वो कहीं से भी आम आदमी के भले के लिए नहीं है कहीं से भी आम आदमी के भले के लिए नहीं है आम आदमी की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं रियल उसके लाइफ के अंदर जो डे टू डे चैलेंज होता है उसके रोज ब्रेड एंड बटर की जो समस्या उसके सामने खड़ी होती है उसे डील करने के लिए अगर चर्चाएं हो न्यूज चैनल्स में तो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया काफ़ी अच्छा मैसेज जाएगा पूरी सोसाइटी के अंदर कि ऐसा होना चाहिए तो आप लोगों को भी बच्चों मेरी यही सलाह है अपने एग्जाम के लिए जी जान से मेहनत करें आप लोगों को चाहे आप किसी भी श्रेणी के विद्यार्थी हो चाहे आप किसी भी तरह से तैयारी कर रहे हो कोई भी साधन हो आपके पास चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप किसी भी प्रकार सेल्फ से पढ़ रहे हो आप अपनी मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें क्योंकि आप लोगों को इस चीज का पूरे जीवन भर याद रहेगा कि जब आपने तैयारी की थी और सरकारी नौकरी लगी थी उसके बाद आपकी जिंदगी तुरंत बदल जाएगी क्लियर है पॉइंट खैर लेकिन इसका मतलब यह नहीं है अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो शायद जीवन खत्म है ऐसा नहीं है एंटरप्रन्यर्स जो इतने भी बिजनेसमैन बड़े बड़े बने हैं वो अगर गवर्नमेंट जॉब्स के चक्कर में पड़ते शायद वो भी ना बन पाते ठीक है तो फील्ड हमेशा, हमेशा खुली रहती है अपॉर्चुनिटीज हमेशा खुली रहती हैं बस आप लोगों को उस अपॉर्चुनिटीज को पहचानना होता है और आपके पास वो टैलेंट वो कैलिबर होना चाहिए वो डेडिकेशन वो कंसंट्रेशन होना चाहिए जिसकी रिक्वायरमेंट है क्लियर है पॉइंट तो तो बात करते हैं इस पैटर्न की बात करते हैं इस पैटर्न की यह पैटर्न बच्चों बड़ा सिंपल पैटर्न है याद रखने में हेल्प करता है इन सभी चीजों को क्लियर है पॉइंट आगे कॉन्टिन्यू करते हैं बच्चों अब आते हैं बात बच्चों फंक्शन क्या क्या है इन एलिमेंट्स के इन एलिमेंट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं ठीक है इन एलिमेंट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं बच्चों वो फंक्शंस मैं आप लोगों को बताता हूं वो फंक्शंस क्या हैं कैल्शियम ऑक्साइड सबसे सबसे पहला और एसेंशियल एलिमेंट जो होता है सीमेंट के अंदर दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड याद रखना यह सामर्थ्य को कंट्रोल करता है इट कंट्रोल्स स्ट्रेंथ यह किसे कंट्रोल करता है सामर्थ्य को नियंत्रित करता है आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं यह सामर्थ्य को नियंत्रित करता है ध्यान रखना सीमेंट के अंदर जब पानी डालेंगे तो इट इज कैल्शियम विच विल गेन स्ट्रेंथ वेरी अर्ली जो सबसे पहले स्ट्रेंथ पकड़ेगा वो है कैल्शियम ऑक्साइड तो स्ट्रेंथ हार्डनिंग कठोरता देने का काम कौन करता है कैल्शियम ऑक्साइड याद रखना कुछ हद तक जमाव और कठोरता देने का काम यही करता है कुछ हद तक जमाव और कठोरता देने का काम कैल्शियम ही करता है जमाव और कठोरता देने में कहीं ना कहीं कैल्शियम का योगदान है लेकिन याद रखना बच्चों इसका मतलब यह नहीं है मैं इनिशियल सेटिंग के ऊपर जोड़ दे रहा हूं मैं जमाव और कठोरता इकट्ठा बोल रहा हूं यहां मैंने डिस्क्रिंट ये इस तरह से क्लासीफाई नहीं किया इनिशियल सेट फाइनल सेट टाइप ठीक है तो ध्यान रखना यदि यह कम हो जाए याद रखना यदि यह है कम है तो इंग्लिश देखो सेम इसी तरह से मैं क्लास के अंदर भी लिखता हूं लेकिन क्लास में मेरी स्पीड कम होती है उसके कारण बच्चे प्रॉपर नोट्स बना पाते हैं ठीक है थेके? यदि यह कम है तो सीमेंट तो सीमेंट कमजोर हो जाता है बच्चों याद रखना सीमेंट क्या हो जाता है कमजोर क्या कम है अगर कैल्शियम ऑक्साइड कम है यदि कैल्शियम ऑक्साइड कम है तो सीमेंट वीक रहेगा क्योंकि मेन एलिमेंट एसेंशियल एलिमेंट ही कैल्शियम ऑक्साइड है याद रखना यदि यह अधिकता में है तो सीमेंट अनसाउंड बनाता है याद रखना यह बड़ा इंपॉर्टेंट अगर यह में है अब कई बच्चे कहेंगे सर अनसाउंड क्या है यदि यह अधिकता में इफ इट इज इन एक्सेस एक्सेस मतलब अधिकता यदि अधिकता में तो सीमेंट को अनसाउंड बनाता है अनसाउंड का मतलब होता है फैलने वाला फैलने वाला कई बच्चे रीजनिंग करते हैं क्वेश्चन करते हैं सर ऐसा क्यों कैल्शियम ऑक्साइड वो एलिमेंट है जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये सीमेंट को सेटिंग देगा कठोर बनाएगा लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो ये अनसाउंड क्यों बना रहा है क्लियर है पॉइंट तो कई बार ये क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में ये अनसाउंड क्यों बना रहा है डेफिनेटली ड्राफ्टमैन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पिछली बारी का पेपर उठा के देखना सीमेंट सीमेंट के टॉपिक क्या है थे? अगर एक टॉपिक की बात करें सबसे ज्यादा सवाल सीमेंट के थे क्योंकि ड्राफ्टमेन का एग्जाम आईटीआई बेस्ड एग्जाम है और आईटीआई के सिलेबस में सीमेंट को कूट कूट के पढ़ाया जाता है ठीक है ध्यान रखना ये बात क्लियर पॉइंट ओके क्लियर पॉइंट सभी लोगों को आगे बढ़े <laughs> हाँ ये ये बिल्कुल सही बात बताई क्या होता है देखो जब आप जब आप भट्टी भट्टी समझते हो क्लिन जब आप क्लिन के अंदर सीमेंट के रॉ मटेरियल्स को हीट अप करते हो जब आप रॉ मटेरियल्स को हीटअप करते हो बच्चों गर्म करते हो तो होता क्या है रॉ मटेरियल्स को हीटअप करने से आपके रॉ मटेरियल को हीटअप करने से आपका कैल्शियम ऑक्साइड आपका कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड आपका कैल्शियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड आदि तत्वों से क्रिया करता है इन सभी तत्वों से क्रिया करके जुड़ जाता है बड़े ध्यान से सुनना लेकिन अगर सी ज्यादा हो अगर सी ज्यादा हो बच्चों तो सीएओ खाली बच जाएगा और सीए और कुछ नहीं होता ये चूना होता है बच्चों चूने का काम होता है पानी का मिलते ही स्वेल करना स्वेल मतलब होता है फूलना इसीलिए सीमेंट भी फूलता है अगर कैल्शियम ऑक्साइड खाली बचा रह गया भट्टी में वो और कंपाउंड के साथ रिएक्ट ना कर पाया और यौगिकों के साथ जुड़कर नए यौगिक ना बना पाया तो वो बचा रह जाएगा और बचा रह जाएगा तो चूने वाला गुण देगा चूने वाला गुण क्या होता है चूने में पानी मिलाने से चूना फैलता है चूने में पानी मिलाने से चूना फैलता है तो उसे ही हम बोलते हैं अनसाउंडनेस क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आया बिल्कुल क्लीन मीन्स होता है भट्टी ठीक है क्लीन मीन्स होता है भट्टी याद रखना ये बात अब बात करते हैं बच्चों सीमेंट को अनसाउंडनेस अनसाउंड कैसे बनाया है? ये मैंने आप लोगों को डिस्कस किया अब अगले पॉइंट पर आते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड

यह सेटिंग को क्या करता है धीमा करता है याद रखना डिले सेटिंग का मतलब होता है यह सीमेंट की सेटिंग को धीमा करता है बच्चों यह सीमेंट की सेटिंग को क्या करता है धीमा यह बाद के दिनों की स्ट्रेंथ देता है लेटर स्ट्रेंथ देता है और सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बच्चों एसआईओ टू मतलब इंपॉर्टेंट इस वजह से क्योंकि केमिकल रेजिस्टेंस जो होता है ना रासायनिक प्रतिरोध पता है रासायनिक प्रतिरोध क्या होता है बता देता हूं देखो क्या होता है रासायनिक प्रतिरोध में केमिकल रेजिस्टेंस के अंदर क्या होता है जो आपका सीमेंट है उसके इर्द गिर्द अगर अलग अलग तरह के मेटेरियल प्रेजेंट है तो ये सीमेंट से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं जैसे क्लोराइड आदि प्रेजेंट है ये सीमेंट के एलिमेंट से रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं और सीमेंट के कौन से एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं मुख्य रूप से कैल्शियम के साथ या एल्यूमिनियम के साथ ये एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और सीमेंट को खराब कर देते हैं सीमेंट को क्या कर देते हैं खराब अगर सीमेंट में एसआईओ की मात्रा है वो इस रिएक्शन को चाहे क्लोराइड के साथ हो चाहे सल्फेट के साथ हो प्रिवेंट करता है तो एसआईओटू नहीं होने देगा वो रिएक्शन याद रखना ये मैंने बड़ो ब्रॉड स्टेट में बताया मैंने पूरी केमिकल, केमिकल, केमिकल केमिस्ट्री के अंदर जाके पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया है ये आपको ब्रॉडर वे में बताया क्लियर है पॉइंट सभी को कोई डाउट इस टॉपिक पर कहीं से कहीं तक बच्चों किसी भी तरह का डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो अब बड़े अच्छे से समझते हैं बच्चों आप लोग यह सीमेंट का रासायनिक प्रतिरोध बढ़ाता है रासायनिक प्रतिरोध मतलब केमिकल रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया जाता है इसके द्वारा क्लियर है अगला एलिमेंट देखते हैं बच्चों अब बड़े इंपॉर्टेंट बात करते हैं एल्यूमिना एल्यूमिना बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं एलुमिना अब मुझे एक बात बताएं ये एलुमिना जो होता है बच्चों ये जो एलुमिना आप लोग देख रहे हैं इस एलुमिना का काम क्या है ये सबसे तेजी से रिएक्शन करता है बच्चों इसकी रिएक्टिविटी या रिएक्शन करने की जो दर है वो फास्ट है रिएक्शन तेजी से करता है यह सीमेंट को तुरंत जमा देता है तुरंत सेट कर देता इट दे है इट प्रोवाइड्स फ्लैश सेट टू द सीमेंट यदि यह अधिक मात्रा में है तो सीमेंट को कमजोर बनाता है याद रखना फिजिकली भी कमजोर करता है फिजिकली भी और केमिकली भी याद रखना फिजिकली भी और केमिकली भी दोनों प्रकार से यह सीमेंट को कमजोर बनाने का काम करता है इसका नाम क्या है एल्यूमिना बड़े ध्यान समझना यदि अधिक मात्रा में है तो सीमेंट को कमजोर बनाता है यदि यह एलिमेंट सीमेंट को यदि अधिक है तो सीमेंट को रासायनिक रूप से भी कमजोर करेगा केमिकली भी कमजोर करेगा तो एलुमिना बच्चों वो तत्व है अब बड़े ध्यान सुनना मैं आपको एक रि, क्विक रिविजन कराता हूं कैल्शियम ऑक्साइड वह तत्व है जो तो सीमेंट को कठोर बनाएगा उसकी अर्ली स्ट्रेंथ कंट्रोल करेगा उसकी सामर्थ्य बना के देगा ठीक है कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज्यादा यही होता है दूसरा सिलिकॉन ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड क्या करता है <coughs> एम कैंपस सिविल के नाम से है एम कैंपस सिविल प्रदीप कुमार नीचे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल सादिक रजा बिल्कुल फास्ट रिएक्टिंग एलिमेंट है बहुत तेजी से क्रिया करता है ठीक है ध्यान रखना ये बात ठीक है बहुत तेजी से रिएक्ट करता है आयरन ऑक्साइड याद रखना यह गालक की तरह कार्य करता है किसकी तरह कार्य करता है गालक की तरह फ्लक्स है। बोलते हैं उसे इंग्लिश में याद रखना फ्लक्स मैं अभी फिर से रिपीट करता हूं अभी यह बात आप लोगों को नहीं बता रहा हूं फ्लक्स क्या होता है क्यों नहीं बता रहा हूं क्योंकि यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूंगा बच्चों कहां पर यह बात मैं आप लोगों को क्लियर करके दूंगा जब हम क्लीन सेक्शन में पहुंचेंगे फ्लक्स क्या होता है ठीक है गालक क्या होता है तो कई बच्चों को पता भी होगा यह सीमेंट को रंग देता है और यह सीमेंट को बच्चों ग्रीनिश ग्रे कलर देता है कौन सा रंग देता है ग्रीनिश ग्रे। ग्रीनिश ग्रे ग्रे को हिंदी में आप क्या बोलते हैं हरा रंग क्लियर है पॉइंट याद रखना गालक है रंग दे रहा है गालक रंग गालक रंग तेजी से क्रिया करने वाला तुरंत जमा देने वाला कम स्ट्रेंथ को घटाने वाला चाहे वो रासायनिक हो चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो सिलिकॉन ऑक्साइड रासायनिक स्ट्रेंथ मजबूत करने वाला जात बाद के दिनों में स्ट्रेंथ देने वाला कैल्शियम ऑक्साइड स्ट्रेंथ को नियंत्रित करने वाला और आपकी बच्ची सेटिंग और हार्डनिंग को नियंत्रित करने वाला ये चारों प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को क्लियर की है ठीक है अभी बच्चों समय हो चुका है दस बजे क्लास एंड करता हूं बच्चों आप लोगों की और आपको आगे कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा मैं <laughs> ध्यान रखना एल्यूमिना बिल्कुल आप लोग समझ लेना एलुमिना के बहुत सारे काम है लेकिन वो जो एल्यूमिना है रॉ मटेरियल में वो सीमेंट के अंदर नहीं होता वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सी थ्री ए में तब जाकर वो अन्य दोष उत्पन्न करता है क्लियर है पॉइंट सी थ्री ए के अंदर उसके अलग अलग दोष सामने आते हैं तो बच्चों कल के दिन मैं शुरू करूंगा ऑफलाइन बैचेस का टाइम कल नौ बजे से है सुबह और ऑनलाइन भी क्लासेस नौ बजे से शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस पैरेलल चलेंगे आप लोगों की ध्यान रखना इस बात को और जितने भी बच्चे बच्चों ज्वाइन करना चाहते हैं मैं फिर से रिपीट करूंगा फीस की प्रॉब्लम मत लेना मत लेना मत लेना अगर आप इंटेंशन रखते हो पढ़ने की तो एक बार कोचिंग विजिट करना आप लोगों को काफी कंफर्टेबल फील होगा अगर आप डर रहे थे उस बात से ऑफलाइन कोचिंग में मोटिवेशन क्रिएट हो जाता है ऑनलाइन कोचिंग में आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ता है ऑनलाइन कोचिंग जैसे कई बच्चे क्या करते हैं इसी वीडियो के बाद आपके पास कई सारे इसी वीडियो के बाद आपके पास कई सारे सजेशन आएंगे आप उनमें डूब जाओगे तो वो अगर आप नहीं करते हो अगर आप बच्चों आप लोगों के लिए है विपुल सिंह जीएस की क्लास ऑनलाइन भी होगी कल ऑनलाइन भी होगी सभी बैचेस में होगी आप लोग जरूर देखना ठीक है जीएस की क्लास ऑनलाइन भी होगी टेक्निकल राय कल के लेक्चर का वेट करो आपको एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा ठीक है अभी एस एफ जेई में हमारा स्टूडेंट सिलेक्टेड है अगर आप हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं तो मेरे से कॉन्टेक्ट करना कॉन्टेक्ट करने के बाद आपको उस बच्चे से कॉन्टेक्ट कराया जाएगा जो पहले जेई के अंदर सेलेक्ट हो चुका है बी एफ बी एस एफ में ठीक है जो पहले से वहां पर वर्क कर रहे हैं बच्चे उनसे मैं कॉन्टेक्ट कराऊंगा आपका क्योंकि हमारे यहाँ से केएल का स्टूडेंट है कार्तिक वो पहले सेलेक्टेड है ठीक है वो अभी भी जॉब कर रहा है लेकिन यूके पी एस सी भी उसने अपियर हुआ है ओके अभी मैं गुड नाइट कहूंगा आप सभी लोगों को अगर आप नए हैं चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज If you want to learn civil engineering, if you want to know how to learn the concepts, how to learn, what are the various tricks in civil engineering, ठीक है अभी एक बच्चे ने कहा कि सर ये सर ने बताया था अरे भाई पता नहीं कितनी ट्रिक्स आप लोगों को सिखाऊंगा कितने पैटर्न्स आप लोगों को बताऊंगा ठीक है ढूंढते रहना किस सर ने क्या बताया था ठीक है तो निश्चिंत रहना सब कुछ मैं खुद से पढ़ता हूँ खुद बनाता हूँ ठीक है ओके टेक्निकल राय गुड नाइट सभी को ठीक है एंड करते हैं सेशन आज का कोई क्वेरी हो जल्दी से लिख सकते हैं कोई किसी भी तरह की तो मैं रीड कर रहा हूं ओके गुड नाइट विपुल सिंह गुड नाइट गुड नाइट सभी को लाइक जरूर करके जाना चैनल ठीक है सेवेंटी लाइक्स गुड नाइट गुड नाइट कल मिलेंगे सुबह नौ बजे ठीक है Okay.